हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का टॉपिक लैंड डिग्रेडेशन तक कर चुके थे। आज हम सॉइल्स एज द रिसोर्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो सॉइल है, ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि सॉइल अपने आप को दोबारा से रिन्यू कर सकती है। अगर कोई सॉइल ऐसी है जो फर्टाइल नहीं है, हम उसको रिन्यू कर सकते हैं, चाहे हम ह्यूमन एक्टिविटी से रिन्यू करें, चाहे वो नेचुरल प्रोसेस से रिन्यू हो सके। ठीक है, तो सॉइल सबसे इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ये बेसिकली प्लांट ग्रोथ का मीडियम है। जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब सॉइल में ही पैदा होते हैं। ठीक है, नीचे आपको जो एक प्रोफाइल दे रखी है, ये बेसिकली सॉइल का स्ट्रक्चर आपको बता रखा है कि देखने में तो आपको मिट्टी लगती है, बट उसके अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। वो लेयर्स कैसे? सबसे ऊपर वाली जो आपको दिखती है, विच यू कैन सी, जो टॉप लेयर है, दैट इज द टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर जो आप देख सकते हो, उसी के थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, अगर आप मिट्टी को जरा सा भी खोदेंगे, जरा सा भी, तो उसमें आपको दिख जाएगी सब सॉइल, वेदर्ड रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले। तो उसमें आपको छोटे छोटे कंकर दिखेंगे, चाहे थोड़ी रेतली मिट्टी आपको दिखेगी, बारीक बारीक आपको उसमें नोड्यूल्स दिखेंगे, तो वो आपकी सेकेंड लेयर होती है। उससे नीचे अगर आप आ जाएंगे, वो तब जब आप थोड़ा खोद देंगे सॉइल को, तो वो लेयर होती है सब स्ट्रैटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। ठीक है, उसमें थोड़ी और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी चीकनी मिट्टी जिसे आप कहते हो, वो वैसी लेयर हो, या उसमें थोड़े से बड़े बड़े आपको पत्थर दिखें, तो वो थोड़ी वैसी लेयर आ जाती है जो आपको खोदने पे मिलती है। अगर आपको उस लेयर से और नीचे चले जाओगे और ज्यादा खोदोगे, तो आपको अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, वहां पे आपको बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे, मिट्टी कम मिलेगी, पत्थर ज्यादा मिलेंगे। तो उसको अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक, मतलब इस रॉक, इस लेयर जो होती है मिट्टी की, इस पे वेदरिंग का कोई असर नहीं होता, बारिश, तूफान, इन चीजों का इस लेयर ऑफ रॉक जो सॉइल है उस पे इतना असर नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली लेयर्स दिखा रखी है, तो बेसिकली फोर लेयर्स है आपके पास सॉइल की। ठीक है, द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। मतलब सॉइल भी एक लिविंग सिस्टम की तरह चलती है। कितने साल लग जाते हैं कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल को बनने के लिए। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मतलब वेदर कैसा सा होगा, आप कैसे से रीजन में रहते हैं, रिलीफ मीन्स आप कैसे से रीजन में रहेंगे, जैसे आप बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में रह रहे हैं, या आपकी छोटी छोटी हिल्स हैं, या फिर आप प्लैटियूज में रह रहे हैं, या फिर आप वैलीज में रह रहे हैं, तो कैसा रिलीफ फीचर है, क्लाइमेट कैसी है, वेजिटेशन कैसी है, और बहुत सारी चीजों से सॉइल की फॉर्मेशन का असर पड़ता है। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज द चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और भी चेंजेस, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया या टेम्परेचर कम हो गया, या पानी कितनी तेजी से बह रहा है मिट्टी के ऊपर से, या आपके रीजन में हवा कितनी चल रही है, या आपके रीजन में ग्लेशियर्स कितने ज्यादा हैं, या फिर डीकम्पोजर्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके रीजन में कितने ज्यादा हैं, तो वो मिट्टी पे बहुत असर करते हैं। केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी होते हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल। सॉइल में ऑर्गेनिक मटीरियल्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी, जो हम डालते हैं वो सॉइल में इनऑर्गेनिक मटीरियल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी सॉइल में पहले से ही नेचुरली प्रेजेंट है, वो भी सॉइल में, जो नेचर ने हमें दिए हैं, वो मटेरियल भी सॉइल कैरी करती है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स को देखें, तो कोई सॉइल का कलर कैसा है, कोई सॉइल की फॉर्मेशन का प्रोसेस डिफरेंट है, किसी सॉइल ज्यादा थिकनेस है, या कोई ज्यादा सैंडी है, या कोई ज्यादा ही क्लेई है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है उस सॉइल की, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो इस तरीके से ना हमारे इंडिया में जितनी सॉइल्स थी, हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए उन सॉइल्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, विच इज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक जो हमने पढ़ा था सॉइल के बारे में, वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी। ठीक है, वो उसमें से पेपर में आपको नहीं आएगा, वो सिर्फ एक बेस है, आपको बैकग्राउंड स्टोरी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हम पढ़ते हैं।
इसमें से आपको पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे. क्लासिफिकेशन सॉइल में इंडिया हैज वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट रेल्म्स एंड वेजिटेशन टाइप्स. दीज हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द सॉइल. हमारे इंडिया में एक जैसा तो है नहीं, हर स्टेट में आपको पता है कोई स्टेट में पहाड़ है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे बहुत ही ज्यादा ठंड है, बर्फ ही पड़ती रहती है. तो हमारे पास रिलीफ फीचर्स अलग अलग है. हमारे यहाँ पे जो सब्जियां उगाई जाती हैं या फिर जो प्लांट्स हैं वो भी हर स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं. ठीक है, तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत तरीके की सॉइल पाई जाती है. तो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल विच वी विल स्टडी इज द अलूवियल सॉइल. अलूवियल सॉइल में देखिए, जो भी सॉइल है ना, आपको बेसिकली ना उसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है. जो मेन मेन प्रॉपर्टीज है वो आपको याद रखनी है, बिकॉज क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉपर्टीज ही पूछी जाएंगी. ठीक है, तो मैंने जितनी हो सके प्रॉपर्टीज हाईलाइट कर दी है, आपको बस उन्हें याद रखना है. दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल. इनफैक्ट द इंटायर नदरन प्लेन्स आर मेड ऑफ अलूवियल सॉइल. मतलब आप पूरे नदरन रीजन में देखोगे ना, जो प्लेन एरिया है वहां पर ज्यादातर अलूवियल सॉइल ही पाई जाती है. ठीक है, These have been deposited by three important Himalayan river system. ये आई कहाँ से ये वाली मिट्टी? हमारे हिमालय से जो तीन रिवर्स निकलते हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये उन्हीं के साथ ये सॉयल नदरन रीजन में आई है. दीज सॉयल ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू नैरो कॉरिडोर. नदरन रीजन से बहुत ही थोड़ी जगह से ये राजस्थान एंड गुजरात तक भी सॉयल पहुंच जाती है. अलूवियल सॉयल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलर इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स. मतलब अगर इन रिवर्स के डेल्टाज में भी आप देखें तो भी आपको अलूवियल सॉइल ही मिलेगी. ठीक है, तो आपने बेसिकली याद क्या रखना है, कौन से रिवर से ही आती है? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ठीक है, राजस्थान एंड गुजरात तक भी जाती है, मोस्टली नदरन रीजन में ये होगी, हमारे प्लेन रीजन में. ठीक है, या फिर ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर के डेल्टा रीजन में आती है. ठीक है, ये आपको पिक्चर दे रखी है आपके बुक में, ऐसी सी आपको लूवियल सॉइल दिखती है जो यूजुअली आप हमारे नदरन प्लेन्स में देखते हो. द लूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस पोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. लूवियल सॉइल एक जैसी नहीं होती, वो बहुत ज्यादा सैंडी भी नहीं होती, बहुत ज्यादा क्लेई भी नहीं होती. उस ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उसमें दरदरापन होता है, ये मिक्सचर होती है तीनों चीजों का. एज वी मूव इन लेंथ टूवर्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल अपीयर समवॉट बिगर इन साइज. अगर हम ये अलूवियल सॉइल को देखें रिवर वैलीज की तरफ अगर हम जाएं, तो रिवर वैलीज में आप देखोगे कि ये जो सॉइल है इसके पार्टिकल थोड़े मोटे मोटे दिखेंगे, बिगर इन साइज दिखेंगे. बट इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, रिवर वैली की अपर रीचेस में, मतलब दैट इज नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप, द सॉइल्स आर कोरस. जहां से ये सॉइल बिल्कुल निकल रही है, ठीक है, मतलब ऊपर से रिवर जहां से आ ही रहे हैं वहां से सॉइल भी साथ ही में बह जाती है पानी के, तो अगर वहां से देखें तो वहां पर जो सॉइल है वो थोड़ी कोरस है, मतलब दरदरापन है उस सॉइल में. बहुत ज्यादा बिगर पार्टिकल नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल, बट आप हाथ में टच करेंगे तो वो फाइन नहीं लगेंगे, आपको दरदरापन लगेगा. दैट इज नोन एज कोरस. सच सॉइल्स आर मोस्ट कॉमन इन प्रिडोमिनेंट प्लेन्स सच एज द्वार्स, काउस एंड तरी. जो ऐसे सॉइल्स हैं वो ज्यादातर यहां पे पाई जाती है. आपको ये नाम नहीं भी याद होते हैं तो कोई बात नहीं, आप मत याद रखिए, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ. अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन्स और कॉम्पोनेंट, सॉइल्स आर डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज. अब अलूवियल सॉइल का क्या है, हमने देख लिया कि अगर हम रिवर वैलीज में जाएंगे तो वो बड़े पार्टिकल्स की होगी, अगर हम ऊपर टॉप रीचेस पे जाएंगे तो वो बहुत ही दरदरी होगी, कोरस पार्टिकल्स होगी. बट सिर्फ यही इनकी क्लासिफिकेशन नहीं है, अलूवियल सॉइल अपनी एज के हिसाब से भी क्लासिफाई की जाती है. अकॉर्डिंग टू द एज, अलूवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड अलूवियल सॉइल एंड न्यू अलूवियल सॉइल. उनकी एज के अकॉर्डिंग जो बहुत ही पुरानी होती है उसको हम बंगार बोलते हैं, ओल्ड अलूवियल सॉइल, और जो न्यू वाली अलूवियल सॉइल निकलती है उसको हम खदर बोलते हैं. द बंगार एंड हैज अ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खदर. जो बंगार सॉइल है, जो कि पुरानी वाली सॉइल है, उसमें जो कंकर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं खदर से. इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बंगार. और अगर हम खदर की बात करें तो खदर में बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, एंड बंगार इतनी फर्टाइल नहीं होती है, उपजाऊ नहीं होती है जितनी खदर होती है. ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, खदर एंड बंगार क्वेश्चन आ जाता है.
अलूवियल सॉयल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल. वैसे देखा जाए अलूवियल बहुत ही फर्टाइल सॉयल है. मोस्टली दीज सॉयल कंटेन एडिक्वेट पोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप्स. अब ये आपको पेपर में आता है. अलूवियल सॉयल फर्टाइल है पूछा जाएगा, येस. अलूवियल सॉयल में कौन से कॉम्पोनेंट्स पाए जाते हैं, तो पोटैश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम पाए जाते हैं. अलूवियल सॉयल किस चीज के लिए यूज की जाती है, क्या उगाया जाता है उसमें, शुगर केन, पैडी, वीट, अदर सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप्स, ये उगाई जाती हैं. ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं 1-1 मार्क के. ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ अलूवियल सॉयल इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड. क्योंकि अलूवियल सॉयल बहुत ही फर्टाइल होती है तो इसी वजह से इसमें बहुत ज्यादा कल्टिवेशन होती है. और जो ऐसे एरियाज हैं जहां पे सॉयल ड्रायर एरियाज में है, और वहां पे क्या होता है, ये अलूवियल सॉयल जब ड्रायर एरियाज में जाती है जहां पे ज्यादा बारिशें नहीं पड़ती हैं, वहां पे ये सॉयल एल्कलाइन हो जाती है. और एल्कलाइन हो जाती है इसलिए इसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है. बट अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन यूज करेंगे तो उससे हम इसमें भी कल्टिवेशन कर सकते हैं, चाहे ड्रायर एरियाज में ही हो ये सॉयल. ठीक है, आई होप आपको ये एलुवियल सॉइल समझ में आया हो. इसकी अगली ब्लैक सॉइल हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. थैंक यू सो मच.